देश में जो आरक्षण की विसंगति है, जो संत गाड़गे जी के जीवन कृत्यों को राष्ट्रीय पटल पर लगा करके उनके जीवन कृत्यों को छुपाया जा रहा है, उनको राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए मैं 14 नवंबर ग्वालियर मध्य प्रदेश से पद यात्रा करूंगा। मित्रों, उसके बाद 10 अप्रैल के बाद 14 नवंबर तक निरंतर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे भारत में कोई ऐसा प्रांत हो, कोई ऐसा जिला हो, शायद बचा हो, जहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न गए हो और उन्होंने अपील पदयात्रा की न की हो। और पदयात्रा का परिणाम ये हुआ, देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और मध्य प्रदेश में लगभग 150 ट्रैक्टर और ट्रालियों पे हमारी जो माताएं हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने 15 दिन का भोजन का प्रबंधन अपनी ट्रैक्टर की ट्रालियों में किया, लकड़ी के चूल्हों का प्रबंधन अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में किया। इतना दृढ़ संकल्प था उनका कि यदि हमें सड़क पर बनाना पड़ेगा, सड़क पर खाना पड़ेगा, सड़क पर सोना पड़ेगा तो भी हम ग्वालियर से नई दिल्ली तक की पद यात्रा करेंगे। इतना बड़ा संकल्प मैंने आज तक अपने समाज में देखा न सुना। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर भारत के केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रतिनिधि तत्कालीन डीओ साहब मौके पर चलकर के आए थे। करीब 25,000 लोगों के बीच में हमारे संगठन का उन्होंने ज्ञापन दिया था और साथियों ये भी आश्वासन दिया था कि हम आरक्षण की विसंगति को दूर कर संत गाड़गे जी के जीवन कृत्यों को राष्ट्रीय पटल पर लाएंगे और पाठ्यक्रमों में, पुस्तकों में और जैसे भी संभव है हम उनके जीवन कृत्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा संकल्प द्वारा दिया गया। मित्रों, आपका कारवा यहां नहीं रुकता है, आपका कारवा यहां नहीं रुकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा रैली स्थल है। लोगों का कहना है कि उस रैली स्थल को भरने का मादा केवल बहुजन समाज पार्टी रखती है, लेकिन उस रैली स्थल में कोई मीटिंग करने की हिम्मत नहीं होता। मगर ऐसे कुछ साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस रैली स्थल में आपकी ताकत से, आपके हौसले से, आपकी संस्कृति से एक बड़ी रैली करने का काम किया और देश के 21 राज्यों के लोग लखनऊ। परिणाम यह होता है मित्रों कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 10 लोगों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाती है और कभी आपने सुना होगा परीक्षा में 100 में 100 नंबर आते हैं, लेकिन धोबी समाज के 10 में 10 टिकट मिले और 100 में 100 नंबर लाए 10 के 10। मैंने देखा जब मैं राजस्थान की यात्रा कर रहा था, माननीय मंत्री जी के साथ मेरा सौभाग्य था, माता पिता के ऐसे पता नहीं पुण्य कौन से कर्म थे कि मुझे अवसर मिला माननीय भगवती प्रसाद सागर साहब के साथ चलने का। तो मैंने राजस्थान में जाकर के देखा हमारे समाज में बड़ी टूट फूट थी, एक एक राज्य एक एक जिले में 30-35 समितियां होती थी। वहां पर हमारे योद्धा आदरणीय राजेंद्र पवार साहब, प्रभु जी बडोलिया साहब, तितोरिया साहब मृत्यु बोध बंद करने का अभियान चला रहे थे, आज वो अभियान भी सफल हो रहा है तितोरिया साहब बता रहे थे। और पवार साहब जो पहले राजेंद्र पवार संपादक हुआ करते थे आज सदस्य खादी ग्रामीण दूध के बीच बोर्ड के रूप में हमारे पास बीच में विराजमान होने का काम मित्रों कर रहे हैं। दिल्ली के हमारे भाई पूछते समाज को क्या मिला, मैं कहना चाहूंगा हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली में, कभी कॉर्पोरेटर का चुनाव हुआ होगा, आप हुआ हो मुझे बताइए, मुझे स्मरण कराइए कि आपके कितने कॉर्पोरेटर
में आप लोगों के माध्यम से मेरे सुनने और जानने में आया कि तीन दिन आपके धोबी समाज की कॉर्पोरेटर इतना बड़ा आंदोलन जिसको हम छोटा मान के चल रहे थे उसकी इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि और हमारे बीच में परमादरणीय गुजरात प्रदेश से चल करके आए हैं भरत भाई लोहिया साहब हमारे लिए फोन पर वार्ता हुई। इन्होंने मुझसे कहा बहुत संक्षेप में बताऊं, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप आओगे मीटिंग करोगे और मीटिंग करके नेता आप बनोगे पैसे कौन देगा मीटिंग करने के। हमने कहा भाई पैसे भी लगते हैं क्या, हम उत्तर प्रदेश के लोग तो देने वाले हो गए, अभी आप गुजरात के लोग भाई सुनने में आए कि करेंसी वहां बहुत है पैसा बहुत है वहां की अभी लोग बीमारी है मांगने वाले लोग तो इनको पता नहीं क्या होगा। इन्होंने चार पांच दिन बाद मेरे पास फोन किया पलट के कि अच्छा आप गुजरात आ जाओ मैं आपकी मीटिंग जरूर कराऊंगा। तो भरत भाई जी ने मीटिंग करवाई, परिणाम ये हुआ कि पूरा गुजरात आपके पीछे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद मनरेगा का आपको मंत्री बनाने का काम किया है, विधानसभा की दौड़ में थे, आज दौड़ असफल हुई होगी भरत भाई लेकिन कल वही दौड़ सफल होने वाली है। निरंतर प्रयत्नशील सदैव संघर्ष करने वाला कठिनाइयों से जूझने वाला व्यक्तित्व ही महान बनता है ऐसा मेरा मानना है, हो सकता आप लोग भी इसको स्वीकार करें। मित्रों मैं बताना चाहूंगा ये जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था जो आज यहाँ पर पहुंचा बहुत अगर मैं ऐसे उल्लेख करूं तो बहुत सारे उल्लेख हमारे पास पूरी नोटिंग है पूरा नहीं कर पाई लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय मंत्री जी 63 साल की 62 साल की अवस्था में 61 और 62 साल की अवस्था में निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि वैसे तो डुअल कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे दो वोट का अधिकार चाहते थे मिल गया होता बहुत बढ़िया होता लेकिन नहीं मिला रिजर्वेशन मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा था कि जो रिजर्वेशन से जीत कर आएंगे वो अपनी इनकम का 50% अपने समाज को अप करने में लगाएंगे। कोई लगाता है क्या मैं पूछ रहा हूं। लेकिन हमारे देश का जो कपड़ा प्रेस करने वाला है जो कपड़ा साफ करने वाला है जो मजदूरी करने वाला है वो अपनी कमाई का 1 रुपया 2 रुपया भी खर्चा करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने करोड़ों खर्च कर दिए। वो खर्चा करता है समय भी खर्चा करता है पैसा भी खर्चा करता है ऐसे लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। लेकिन जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है अगर वो अपनी इनकम का बाबा साहब ने 50% की उम्मीद की थी अगर वो 5% खर्चा करते तो देश की आजादी 71 वर्ष 71 वर्ष होने को है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रयास आज थोड़ा सफल हो रहा है वो आज एकदम आपको दिखाई पड़ता पूरी रंगत और पूरी रौनक आपको दिखाई पड़ती लेकिन ऐसा मेरे मित्रों हो नहीं पाया। जो हमें यहाँ पर इस अखिल भारतीय संत गाड़ी बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के माध्यम से आज संकल्प लेना है आज कार्य योजना बनानी है कि हमें भविष्य में क्या करना है हमारी भविष्य की रणनीति क्या होगी ये योजना हमको संकल्प रूप में बनाने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो साथियों चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये प्रस्ताव है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो काम किए हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। भविष्य में क्या करना है उसकी कार्य योजना बनाना है और जो मैंने ज्ञापन दिए थे मैंने उसकी ये पूरी बुकलेट बनाई हुई है और जो इसमें मैंने प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी को और इस देश के प्रमुख राजनीतिक दलों को भी हम अपना ज्ञापन देंगे क्योंकि मांग हमारी कहीं से भी पूरी हो। हम एक सामाजिक संगठन है हम यहाँ पर अराजनैतिक रूप से हैं हमारे जीवन में हमारे संकल्प परिवार के प्रति अलग होते हैं जिस धर्म में होते हैं उसके प्रति हमारी निष्ठा अलग होती है लेकिन जब हम सामाजिक चिंतन करते हैं सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं हमारे बीच में हरियाणा पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के प्रभारी भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करण सिंह जी आ गए मैं उनका स्वागत करता हूँ वंदन करता हूँ निवेदन करता हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। तो हम बड़े संकल्प को लेकर के चलते हैं तो शायद उसको कर पाते हैं और छोटी सोच रख करके एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने का काम करके
ना हम अपने समाज का उत्थान कर पाते हैं, ना हम स्वयं का उत्थान कर पाते हैं। और कहावत भी है कि अगर कुएं का मेंढक है तो उसको मेंढक को समुंदर जो है कुएं में नजर आता है, वो एक छलांग मारता है तो वो सोचता है कि हम भारत से अमरीका पहुंच गए, ऐसा वो सोचता है। तो ऐसी सोच ना रख करके एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़े अभियान के साथ, एक बड़े विजन के साथ हम पूरे भारत में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप सबका समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा। क्या समर्थन प्राप्त है मित्रों?